मैं और दीदी जा रहे हैं एक भारतीय वैश्य समाज के प्रोग्राम में और बच्चे हमारे गए हैं पूल में नहाने। फ्रेंड्स, ये एक वैवाहिक परिचय सम्मेलन है और यहाँ पर भारी पोस्टर लगे हुए हैं, होल्डर लगे हुए हैं, ताकि आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। और ये अतिथि भवन में हो रहा है और देखिए बाहर जो इनके कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी हैं, तो उनके पोस्टर लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज मैं जा रही हूँ भारतीय वैश्य समाज में, जहाँ की परिचय सम्मेलन है जिसमें अग्रवाल समाज के लड़के लड़कियों के रिश्ते मिलाए जाते हैं। तो मैं भी पहली बार अटेंड कर रही हूँ, तो आइए देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। फ्रेंड्स, इस परिचय सम्मेलन में उत्तराखंड से अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। उत्तराखंड के आसपास के जो शहर हैं वहाँ से भी लोगों ने अपने बेटे बेटियों का बायोडाटा भेजा हुआ है और ये सभी पदाधिकारी हैं ताकि यहाँ का काम सुचारू रूप से हो सके। और अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो आप उनसे क्वेरी भी कर सकते हैं और किसी प्रॉब्लम का हल भी ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको अपने बच्चों का बायोडाटा नहीं मिल रहा है बुक में, तो आप वो आपको ढूंढ कर भी दे देंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल था, जो डेस्क थी वहाँ पर सबको बड़ी सुविधा हुई, से आपने फॉर्म भरे थे और ये बुक है। तो आप सभी भारतीय वैश्य समाज के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। फ्रेंड्स, ये अग्रसेन महाराज जी की फोटो है जिनके आगे दीप प्रज्वलित कर और माला पहनाकर इस कार्य का शुभारंभ किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी पदाधिकारी आपको हर जगह मिल जाएंगे जो कि आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और यदि आप लेडीज़ हैं तो यहाँ पर देखिए लेडीज़ की भी पूरी टीम है यहाँ पर, जो कि आपकी हर एक क्वेरी का आंसर दे रही है, आपको बहुत हेल्पफुल कर रही है। यदि आपको कोई बायोडाटा पसंद आता है तो वो आपको उससे मिलवा भी रही है दूसरी पार्टी से। और आप जब देख रहे हैं, ये सभी लेडीज हैं जो सुबह से बैठी हुई हैं और अपने काम को सुचारू रूप से कर रही हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं मेरा ब्लॉग, आप सबका धन्यवाद कर रहा हूं। फ्रेंड, बड़ी खुशी होती है जब कोई आवाज़ लगा कर कहते हैं आप ही रुचि गुप्ता और घरौंदा वाली, तो एक मन को बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्टेज से अनाउंस हो रहे हैं बायोडाटा उनके नंबर के अकॉर्डिंग, और उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये बेटा या बेटी इतना पढ़ा हुआ है, इतनी इसकी सैलरी है, इतना कमाता है और ये इस परिवार से आता है, यदि आप उनसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिवोर्स जिन बच्चों के हो चुके हैं उनके भी बायोडाटा इस परिचय सम्मेलन की बुक में है। और इस परिचय सम्मेलन में उत्तराखंड के बहुत गणमान्य लोग भी आए हैं जिन्होंने संबोधन भी किया है। तो ये प्रोग्राम हो रहा है रिश्ते का, ये तो आप कितने साल से कर रहे हैं? ये 6-7 साल हो गए हैं, ये छठा है, बीच में कोविड के कारण से 2-3 साल नहीं हो पाया, इस बार अब दोबारा हुआ है, लगातार 6 ये छठा प्रोग्राम है। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि क्या होता है पंजाबियों में एक दूसरे की शादी और इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। मेरे ख्याल से अग्रवाल समाज का तो उत्तराखंड में पहला प्रोग्राम है। नहीं, हम तो लगातार कर ही रहे हैं, हमारे देखा देखिए और भी समाज करने लगे हैं, मैंने देखा है कई बार अन्य समाजों में भी, क्योंकि कोई भी अच्छा काम हो तो उसको सब लोग करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, तभी हमारा प्रोग्राम सही है। हम ये देख रहे हैं समाज में, जैसे पहले था समाज के रिश्ते आपस में परिवार के लोग बताते थे, पंडित लोग बताते थे, हमारे परिवार के लोग नहीं ब्राह्मण होते थे वो बताते थे, अब कोई रिश्ता नहीं बताता और कोई किसी के रिश्ते के बीच में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बीच में जिस प्रकार की बुराइयाँ कानूनी अड़चने आनी शुरू हुई और लोगों ने बचना शुरू कर दिया, तो ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता हुई और उसकी सफलता का इस तरह देख रही है, उसी कारण से सफल हो रहा है कि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है और हमारे परिवारों के बहुत छोटे योग्य बेटे बेटियाँ 35-35 साल 40-40 साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे उन्हें निश्चित रूप से मदद हमने फॉर्म भरने के लिए डेट रखी थी, इस साल का तो कार्यक्रम हो गया है, वरना हम ऑनलाइन की व्यवस्था रखते हैं, ऑनलाइन भी भरते हैं और हम ये प्रयास करेंगे कि जितना ये हमारा डाटा हमारे पास आया है इसे हम अपनी साइट पे डाल देंगे ताकि वर्ष आगे आने वाले समय में इसे लोग देख सकें। तो फ्रेंड्स, ये एक महीने पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, फेसबुक पर वायरल है, इंस्टाग्राम पर वायरल है और लोग अपने व्हाट्सएप पर भी स्टेटस पर लगाते हैं कि इस तरह से ये प्रोग्राम हो रहा है और अपने वायरल हो रहा है। तो धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा काम किया।
फ्रेंड्स, काम के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी मस्ती भी हो रही है। ये भाभी अपने हस्बैंड की माला पहना रही हैं और ये देखिए ये टेबल लगी हुई है जहाँ पर जो दो पार्टी है जिनको बायोडाटा एक दूसरे का सूट कर रहा है वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का मैच कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पंडित जी भी बुला रखे हैं, यदि आप उनसे जन्मपत्र मिलवाना चाहे या आप उनसे कुछ भी पूछना चाहे तो वहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की गई है। लोग जन्मपत्री दिखवाने के लिए, जन्मपत्री दिखवाने के लिए आ रहे हैं। तो हुआ है अभी तक किसी का रिश्ता थोड़ा फाइनल सर? मैचिंग काफी लोगों को हो चुका है, मैचिंग बातचीत चल रही है, मतलब इंक्वायरी निकाल रहे हैं वो लोग, बातचीत काफी। फ्रेंड्स, इसमें जो लड़के और लड़कियों के बायोडाटा है वो अग्रवाल समाज से ही है और ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि आज जैसा कि विनय जी ने कहा कि आजकल रिश्ते बताने लोगों ने बंद कर दिए हैं, तो आप इनके थ्रू रिश्ते कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और ये पदाधिकारी हैं यहाँ के वैश्य समाज के जो कि खाने की व्यवस्था को देख रहे हैं। यहाँ पर आपको पदाधिकारी हर जगह मिलेंगे ताकि सारी व्यवस्था अच्छी से हो रही है। यहाँ पर खाने पे कोई जल्दबाजी नहीं थी, खाना बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स यहाँ की, मतलब आपको और भरपूर मात्रा में था, कोई ऐसा नहीं था धक्का मुक्की हो रही है। और ये जलजीरा था ये जो कि बहुत ही टेस्टी था, खाने में क्वालिटी के साथ साथ वेराइटी भी थी, तो मिठाई में भी गुलाब जामुन और आइसक्रीम थी। तो यहाँ ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा कार्य है। परिचय सम्मेलन में जो बुक छपी थी वो है, इसमें सभी बच्चों के बायोडाटा दिए हुए हैं। यहाँ के जो पदाधिकारी है वो हैं अग्रसेन महाराज जी की और लक्ष्मी जी की आरती दी हुई है और सभी पदाधिकारियों के फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, अग्रवाल समाज के, भारतीय वैश्य समाज के, उनके संदेश दिए हुए हैं फ्रेंड्स। और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी भी है, जो वैश्य समाज में प्रोग्राम होते हैं उनकी पिक्स भी दी गई है, सबके जो उसके मेंबर्स हैं उनके नंबर दिए हुए हैं और बायोडाटा में इस तरह से नंबर दिए हुए हैं, आप इस नंबर से किसी पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपने बायो मैच कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़